नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट मिलने में नहीं होगी देरी। तैयार हो रही ट्रांसफर पॉलिसी, अब शिक्षकों के तबादले का इंतजार होगा खत्म। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटक कर रिहायशी इलाके में आने वाला बाघ पहुंचा नेपाल। काम्या मिश्रा ने इस्तीफे के बाद बताया अपने आगे का प्लान। विनोद कांबली की खराब हालत देख फैंस ने तेंदुलकर से लगाई गुहार। अब चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट मिलने में नहीं होगी देरी। प्रदेश में कई अस्पताल मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में काफ़ी समय लगाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब राज्य के अस्पताल रियल टाइम में ही रिपोर्ट उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए मेडलिया पीआर यानी मेडिको लीगल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा, जो दोनों ही रिपोर्ट रियल टाइम में उपलब्ध करवा सकेगी। इस सॉफ्टवेयर को NIC हरियाणा की तरफ से विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर की व्यवस्था को न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। इस सॉफ्टवेयर से कई लोगों को फायदा होगा। किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा से जुड़ी क्षतिपूर्ति सहित इससे जुड़ी अन्य बीमा मिलने में देरी नहीं होगी। मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर मिलने से न्याय के क्षेत्र में भी लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। बिहार कैडर के IAS संदीप पौंड्रे के केंद्र सरकार में बने सचिव। केंद्र सरकार में बिहार कैडर के IAS अधिकारी संदीप पौंड्रे सचिव नियुक्त किए गए हैं। संदीप पौंड्रे केंद्रीय लौह अयस्क मंत्रालय में सचिव बनाए गए हैं। इसे लेकर केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्ट्री द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि IAS राजस्थान के रहने वाले हैं और बिहार कैडर के अफसर हैं। बिहार में ये कई महत्वपूर्ण पदों पर भी तैनात होकर अपनी सेवा दे चुके हैं। तैयार हो रही ट्रांसफर पॉलिसी, अब शिक्षकों के तबादले का इंतजार होगा खत्म। राज्य सरकार शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी को तैयार कर रही है। ऐसे में जो शिक्षक अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जब पॉलिसी बनेगी तो जनरल पॉलिसी बनेगी। हम लोगों की कोशिश है कि लोगों की जो उम्मीदें हैं उन्हें उसमें समाहित किया जाए। साथ ही आने वाले दिनों में छुट्टियों के कैलेंडर में फिर से जरूरत पड़ने पर बदलाव हो सकता है। उन्होंने बताया कि ट्रांसफर पॉलिसी पर काम जारी है। इसके तहत बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हो सकते हैं। शिक्षकों के लिए ये ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों और छात्रों की जरूरत को देखकर तैयार किए जा रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटक कर रिहायशी इलाके में आने वाला बाघ पहुंचा नेपाल। अभी हाल में ही खबर आई थी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल से भटक कर बाघ रिहायशी इलाके में जा पहुंचा था, लेकिन अब बाघ जंगल की तरफ लौट चुका है और सभी लोग सुरक्षित हैं। बाघ फिलहाल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल को पार कर नेपाल के परसा नेशनल पार्क में पहुँचा हुआ है। बाघ ने 125 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में पूरी की है। आपको बता दें कि 13 जुलाई को बाघ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मानपुर वन प्रक्षेत्र में भटक गया था और बिरहा नदी के रास्ते मैनाटार चनपटिया के पुरैना होते हुए कई गांवों में चहलकदमी कर रहा था, जिससे लोग काफी डरे हुए थे। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की विशेष टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। हालांकि अब बाघ नेपाल के परसा नेशनल पार्क में जा पहुंचा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारी नेपाल के चितवन नेशनल पार्क अथॉरिटी के साथ वार्ता कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती और सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में 3 आरोपित हुए गिरफ्तार। ईडी ने 3 आरोपितों को तीसरे चरण के शिक्षक बहाली और सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। इनकी आरोपितों की पहचान नालंदा के सोहसराय के अमन कुमार, बेगमपुर के नत्था चक्के करण और वैशाली के बिदुपुर के सुचिंद्र कुमार के रूप में हुई है। इस मामले को लेकर EOU के DIG मानवजीत सिंह ढिल्लो ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 7 अगस्त से दोबारा ली जा रही सिपाही बहाली परीक्षा को लेकर EOU ने 3 दिनों का विशेष अभियान चलाया था। इसी क्रम में इन तीनों सेटरों की गिरफ्तारी हुई है। DIG ने जानकारी दी कि पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का अमन चचेरा भांजा है। अमन शिक्षक भर्ती के पेपर लीक मामले में मुख्य सेटरों में से भी एक है। वहीं करण शिक्षक और सिपाही भर्ती परीक्षा दोनों के पेपर लीक मामले में संलिप्त आरोपी है। वहीं सुचिंद्र शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में से जुड़ा था। पटना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अरुण कुमार मिश्रा हुए निलंबित। पटना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अरुण कुमार मिश्र को शिक्षा विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस निलंबन की अवधि में पटना प्रमंडल
क्षेत्रीय जिला उपनिदेशक कार्यालय उनका मुख्यालय निर्धारित किया गया है। डीपीओ अरुण मिश्रा को उनकी घोर लापरवाही के कारण निलंबित किया गया है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा विभाग के आदेश को नजरअंदाज किया था। निलंबन के दौरान उन्हें अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता ही केवल दिया जाएगा। डीपीओ अरुण मिश्र पर ये कार्रवाई शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर सतीश चंद्र झा के निरीक्षण रिपोर्ट पर की गई है। काम्या मिश्रा ने इस्तीफे के बाद बताया अपने आगे का प्लान। दरभंगा में ग्रामीण एसपी के पोस्ट पर तैनात काम्या मिश्रा इस्तीफा दे चुकी हैं। हालांकि अभी तक पुलिस मुख्यालय से इनके इस्तीफे को मंजूरी नहीं दी गई है। जब तक मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक ये अवकाश पर रहेंगी। इस्तीफा देने की वजह से काम्या मिश्रा ने निजी वजह बताई थी। अब काम्या मिश्रा ने इस्तीफे के बाद अपने आगे की प्लानिंग बताई है। उन्होंने कहा है कि वे अब ओडिशा में रहेंगी, वहां अपने पिता का कारोबार देखेंगी और जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगी। बच्चों की पढ़ाई को लेकर वो बड़े स्तर पर पहल भी करेंगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्थिति पर बिहार को हुआ करोड़ों का नुकसान। देश के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस वक्त राजनीतिक संकट बनी हुई है। बांग्लादेश बिहार की सीमा से सटा हुआ है, जिससे बिहार को भी इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिहार से कई व्यापारी करोड़ों के धान और गेहूं हर साल बांग्लादेश भेजते थे, लेकिन ऐसी स्थिति के बाद इनके व्यवसाय पर भी संकट मंडराने लगा है। बिहार से बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में खाद्य सामग्री भेजी जाती थी, जिसमें चाय, चावल, गेहूं, दाल, प्याज, आलू, मछली और जूट आदि शामिल थे। बिहार के किसानों को उससे अच्छी कमाई भी होती थी। मीडिया में चली खबरों के मुताबिक बांग्लादेश की जो अभी स्थिति है, इससे बिहार को लगभग 1000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर कही ये बात। पटना हाई कोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी बीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान जस्टिस शैलेश कुमार सिन्हा को लोकपाल नियुक्त किया गया है। अदालत ने जस्टिस शैलेश कुमार सिन्हा को आदेश दिया है कि उन्हें संबंधित पक्षों को सुनने के बाद बीसीए के पदाधिकारियों के खिलाफ की गई सभी शिकायतों पर बीसीए के उपनियमों के अनुसार फैसला लेना है। कोर्ट ने इस दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बीसीए बिहार राज्य में क्रिकेट के विकास के लिए है, लेकिन बीसीए में कुप्रशासन के कारण बिहार में क्रिकेट लंबे समय से प्रभावित हो रहा है, जिस वजह से घटिया चयनकर्ताओं द्वारा घटिया खिलाड़ियों का चयन करने से राज्य का नाम खराब हो रहा है। शराब तस्करी के मामले में महिला तस्कर हुई गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के बाद भी कई जगहों से शराब तस्करी के मामले में महिला तस्कर हुई गिरफ्तार। बिहार में शराब बंदी के बाद भी कई जगहों से इसके तस्करी की खबर सामने आती है। पुरुषों के अलावे कई महिलाएं भी तस्करी मामले में सक्रिय हैं। अब इसी बीच शराब तस्करी का एक और मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आया है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की और अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब के एक मोहल्ले से एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान महिला के घर में बेड के नीचे से विदेशी शराब के कई कार्टून बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला कि ये सब्जी बेचने के नाम पर कई सालों से शराब का अवैध कारोबार कर रही है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट हुई डिस्क्वालीफाई। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इससे भारत की उम्मीदों को पेरिस ओलंपिक 2024 में तगड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने की वजह उनका ओवरवेट रहा है। 50 किलोग्राम वर्ग में इनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया है। फाइनल में पहुंचने के बाद भी विनेश फोगाट का डिस्क्वालीफाई हो जाना सभी की उम्मीदों पर तगड़ा झटका लगा है। विनेश के फाइनल में पहुंचने पर बिहार के भी कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी थी। अब इन्हें इस प्रतियोगिता में कोई भी मेडल नहीं मिलेगा, इस बात की पुष्टि खुद भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा की गई है। पटना के पीएनबी बैंक में हुई लूट कांड में 3 संदिग्ध लिए गए हिरासत में। पटना के दुल्हिन बाजार के कौरैया स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 20,48,800 रुपये की लूट हुई थी। इस कांड को 5 लुटेरों ने अंजाम दिया था। इन 5 में से एक का साफ फुटेज पुलिस को मिल चुका है। एसआईटी अब इसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। इस मामले में अभी तक 3 संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह बैंक खुलते ही लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, बावजूद इसके किसी भी बैंक कर्मी ने इसकी जानकारी नहीं दी। ऐसे में पुलिस को शक है कि इस मामले में कोई बैंक कर्मी भी शामिल हो सकते हैं।
मोतिहारी स्टेशन के समीप सद्भावना एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों ने की पत्थरबाजी। बिहार के मोतिहारी से एक बार फिर ट्रेन पर पत्थरबाजी की खबर सामने आई है। दरअसल आनंद विहार से रक्सौल जाने वाली सद्भावना एक्सप्रेस मोतिहारी स्टेशन से जब रक्सौल के लिए रवाना हुई, तब सिंघिया गुमटी पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रेन पर पथराव कर दिया गया। इस दौरान कई यात्री भी चोटिल हो गए। एक यात्री की सिर फट गई, जिसके बाद उसे शहर के नजदीकी बरियारपुर स्थित अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। यात्री सुगौली नगर पंचायत का रहने वाला था। पथराव में ट्रेन की कई खिड़कियों की भी शीशे टूटे हैं। इस मामले को लेकर बापूधाम मोतिहारी रेल थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने बताया कि जख्मी रेल यात्री का बयान दर्ज करके आरपीएफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जिन लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जानिए कब से तेजस्वी की राज्यव्यापी यात्रा शुरू होने की है संभावना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 17 अगस्त से राज्यव्यापी यात्रा पर निकल सकते हैं। तेजस्वी की यात्रा वाल्मीकि नगर से शुरू होगी और पहले चरण में किशनगंज में इसका समापन होगा। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी की नज़र बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर रहेगी। तेजस्वी अपनी यात्रा में लोगों से मिलेंगे और एनडीए की डबल इंजन की सरकार की विफलताओं को उजागर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भरने का काम करेंगे। इस यात्रा को लेकर राजद के एक वरिष्ठ नेता ने जानकारी दी कि यात्रा वाल्मीकि नगर से शुरू होने की संभावना है। ये क्षेत्र आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के बीच अपने पारंपरिक मतदाताओं का आधार होने के कारण राजद के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राजद ने नेता ने बताया कि ये यात्रा के कई चरण होंगे, इसलिए इसमें एक महीने से ज्यादा का समय भी लग सकता है। विनोद काम्बली की खराब हालत देख फैंस ने तेंदुलकर से लगाई गुहार। पूर्व भारतीय बल्लेबाज विनोद काम्बली इन दिनों अपनी खराब सेहत से परेशान है। वे ज्यादा समय तक खड़े नहीं रह पा रहे, ना ही वे ठीक से चल पा रहे हैं। काम्बली का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि काम्बली कई लोगों का सहारा लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। काम्बली की खराब सेहत को देखकर उनके फैंस भी काफी दुखी हैं। इसी कड़ी में फैंस ने सचिन तेंदुलकर से काम्बली की मदद करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि एक समय में सचिन तेंदुलकर और काम्बली दोनों ही साथ खेलते थे। दोनों के बीच दोस्ती का रास्ता भी काफी अच्छा है। दोनों स्कूल टाइम से क्रिकेट साथ खेलते आए हैं, साथ ही भारतीय टीम में भी इन्होंने साथ क्रिकेट खेले थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है रामनवमी मांझी, अनवर करीम खान, गुनर शर्मा, ओमकार सिंह, रवि कुमार राम, मुन्ना प्रसाद, उमेश यादव, रंजीत मिश्रा, वरुण कुमार, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।